हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। इसके पहले के वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया पहले वो आप जान लो। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर वन स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग एंड डेफिनेशन किया था अलॉन्ग विद 11 स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आपको समझना होगा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप है वो बहुत ज्यादा वाइड नहीं है, ठीक है। रीजन क्या है? इट इज अ लिमिटेड स्कोप, ये पर्टिकुलर चीजों पर जाकर खत्म हो जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्कोप। पहला वो बात करेगा प्रोडक्ट प्राइसिंग के बारे में, किसके बारे में? प्रोडक्ट प्राइसिंग। सेकेंड, माइक्रो इकोनॉमिक्स थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। एंड थर्ड, इकोनॉमिक वेलफेयर्स के बारे में, ठीक है। नाउ अगर मैं कोई प्रोडक्ट की डिमांड करता हूं, सपोज मेरे पास 10 रुपया है, तो मैं 10 रुपया कब, मुझे भूख लगी तो मैं कुछ ना कुछ तो डिमांड करूंगा। तो फर्स्ट, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट के प्राइसिंग के बारे में, तो प्रोडक्ट प्राइसिंग का इंटेंशन होता है कि उस प्रोडक्ट को मुझे मार्केट में खरीदना है या फिर बेचना है। सिंपल सी बात है, अगर कोई प्रोडक्ट मैंने मार्केट में लॉन्च किया है, द इंटेंशन ऑफ माय प्रोडक्ट विल बी सेलिंग द प्रोडक्ट, मुझे उस प्रोडक्ट को बेचना है। और कोई प्रोडक्ट मुझे मार्केट में परचेस करना है, तो ऑब्वियसली कंजम्पशन करने के लिए परचेस करना पड़ेगा। मतलब देयर आर टू स्कोप, आइदर मैं परचेस करूंगा या फिर सेल करूंगा। परचेस करने के का मतलब है मैं उस चीज की डिमांड कर रहा हूं, सेल करने का मतलब है मैं उस चीज की सप्लाई कर रहा हूं। तो यहां पर प्रोडक्ट प्राइसिंग के अंदर दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आएंगे, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस। सिंपल, डिमांड एनालिसिस कंज्यूमर के बिहेवियर को दिखाने की कोशिश करता है, और सप्लाई एनालिसिस सप्लायर के बिहेवियर को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। सिंपल। उसके बाद सेकंड, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। तब जब थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग की बात करते हैं, तो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से? सबसे पहले आता है लैंड, जमीन। तो लैंड अगर मैं किसी को भाड़े पर देता हूं, तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? रेंट मिलेगा। मेरे पास कोई अगर वर्कर काम करता है, या मैं एज अ वर्कर कहीं पे काम करता, तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? वेजेस मिलेगा। उसके बाद अगर मेरे पास कैपिटल है, तो उसके बदले में मुझे क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंड अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं, बिजनेसमैन हूं, तो ऑब्वियसली बदले में मुझे क्या मिलेगा? प्रॉफिट। तो देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, चार है। चारों को बदले में कुछ ना कुछ तो रिप्राइज देना पड़ेगा। तो लैंड के बदले में आपको रेंट मिलेगा, लेबर के बदले में वेजेस मिलेगा, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर के बदले में प्रॉफिट मिलेगा। ये रिवॉर्ड होता है एक तरीके का आपके इन्वेस्टमेंट का। थर्ड, थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर तीन चीजें आती है, क्या? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मतलब पूरा एक एग्रीगेट तौर पर देखा जाएगा, ठीक है। अब हम लोग एक एक करके कंबाइंड देखते हैं। सबसे पहला क्या दिया? थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग। थियरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या कहता है? देखो कि द प्राइस ऑफ अ इंडिविजुअल कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। यानी किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी को, किसी भी इंडिविजुअल कमोडिटी का प्राइस आइडेंटिफाई या डिटरमाइंड करने के लिए मार्केट में डिमांड और सप्लाई का होना जरूरी है। इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द डिमांड एनालिसिस, दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर, एंड सप्लाई एनालिसिस, दैट इज इंडिविजुअल प्रोड्यूसर बिहेवियर। अंडरस्टूड? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट माइक्रो, तो इंडिविजुअल तो आएगा ही आएगा, लेकिन किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको डिमांड और सप्लाई का करना जरूरी है। डिमांड कंज्यूमर करता है, इसलिए हम कंज्यूमर बिहेवियर को एनालाइज करेंगे, और सप्लाई प्रोड्यूसर करता है, इसलिए हम प्रोड्यूसर बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। सेकेंड, थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। मैंने आपको बताया देयर आर फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कौन कौन सा? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू द प्रोडक्शन प्रोसेस। इसीलिए से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं।
कोई दिक्कत नहीं सर। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, माइक्रो इकोनॉमिक हेल्प्स इन डिटरमाइन द फैक्टर रिवॉर्ड। अगर मैं लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर की बात कर रहा हूं, अगर मैं ये प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये चार फैक्टर्स दे रहा हूं तो बदले में मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो वो रिवॉर्ड क्या होगा, उस रिवॉर्ड को हम बोलते हैं फैक्टर रिवॉर्ड। इसीलिए रिवॉर्ड में क्या मिलेगा, अगर आप लैंड दे रहे हो तो बदले में आपको रेंट मिलेगा, अगर आप लेबर दे रहे हो तो बदले में आपको वेजेस मिलेगा, कैपिटल को बदले में इंटरेस्ट मिलेगा और एंटरप्रेन्योर को बदले में प्रॉफिट मिलता है। आई होप आपको इसमें समझ में आ गया होगा। एंड थर्ड थियरी इज थियरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। द थियरी ऑफ वेलफेयर बेसिकली डील्स विद द एफिशिएंसी ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैंने बार बार कहा कि हर बार कहा कि भाई साहब आपकी जरूरतें अनलिमिटेड हो सकती है बट हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो लिमिटेड है, इसलिए इन रिसोर्सेस का अलोकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एफिशिएंसी इन द अलोकेशन रिसोर्सेज इज अटेंड व्हेन इट इज अ रिजल्ट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ द पीपल। हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका हम इस तरीके से इस्तेमाल करें कि उसका सेटिस्फैक्शन हमें ज्यादा मिलना चाहिए। सिंपल सी बात है। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इन्वॉल्व्स थ्री एफिशिएंसी। अभी इसमें तीन एफिशिएंसीज है जो हमने इस चार्ट में डिस्कस किया। पहला एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, प्रोड्यूसिंग मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज। हमारे पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल करके जब हम ज्यादा से ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं उसको कहते हैं एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। क्या कहा मैंने, मेरे पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैं करूंगा इस्तेमाल और इस्तेमाल करने के बाद जब मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन करूंगा इट्स कॉल्ड एज एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन। सेकेंड एफिशिएंसी इन कंजम्पशन। क्या कहता है, इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज अमंग द पीपल फॉर कंजम्पशन इन सच अ वे दैट एज टू मैक्सिमाइज टोटल सेटिस्फैक्शन ऑफ द सोसाइटी। मतलब हमने प्रोडक्शन तो कर दिया बट उस प्रोडक्शन किए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को लोगों तक इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करें कि सबकी वॉन्ट्स सेटिस्फाइड होनी चाहिए एट अ मैक्सिमम लेवल। मतलब प्रोड्यूसर इज डूइंग द प्रोडक्शन एक्टिविटी बट डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर तक सामान पहुंचने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का करना जरूरी है। प्रोडक्शन तो बहुत हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। इफ देर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन देर विल बी नो कंजम्पशन। इसलिए प्रोडक्शन ज्यादा है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस लेवल तक करो कि जो उसका एंड यूजर दैट इज कंज्यूमर है उसको उसकी वॉन्ट 100% से ज्यादा सेटिस्फाई होनी चाहिए या उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। डिफिकल्टी नेक्स्ट थर्ड वन ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इसका मतलब होता है इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स विच आर मोस्ट डिजायर्ड बाय द पीपल। इसका मतलब होता है जिसकी जरूरत जिसकी डिजायर लोगों में ज्यादा है उस प्रोडक्शन को आप फुलफिल करो। जिसकी डिजायर लोगों में ज्यादा है वही प्रोडक्ट को क्या करने का प्रोड्यूस करने का काम करेंगे तो उसको हम बोलेंगे ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। डिफिकल्टी सर नहीं, पहला वाला क्या था सर, पहला वाला था प्राइसिंग प्रोडक्ट प्राइस जिसमें डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे थे। टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज वी नीड टू कंसीडर टू एस्पेक्ट डिमांड और सप्लाई। डिमांड किसके बारे में, कंज्यूमर बिहेवियर। सप्लाई किसके बारे में, प्रोड्यूसर बिहेवियर। तीसरा सेकंड थियोरी था थियोरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग जिसके अंदर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं तो उनकी रिवॉर्ड डिसाइड करनी पड़ती है। लैंड को बदले में रेंट मिलेगा, लेबर को बदले में वेजेस मिलेगा, कैपिटल को बदले में इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को बदले में प्रॉफिट मिलेगा। थर्ड थियोरी ऑफ इकोनॉमिक
वेलफेयर, जिसके अंदर सबसे पहले हमने देखा था एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन इस लेवल पर करो कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल है उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करके आप प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करने की कोशिश करो। सेकंड, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन, जिसका मतलब होता है कि आपने प्रोडक्शन तो कर दिया लेकिन आप उसको डिस्ट्रीब्यूट इस तरीके से करो कि आपका एंड कंज्यूमर जो है, आपका एंड यूजर जो है, उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए आफ्टर द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एंड थर्ड, ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब होता है कि कंज्यूमर जो चीज सबसे ज्यादा डिजायर रखता है आप वैसे ही प्रोडक्ट को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम या प्रोड्यूस करने का काम करो। डिफिकल्टी, इसीलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी शोज द अंडर व्हाट कंडीशन दिस एफिशिएंसीज आर अचीव। इसलिए माइक्रो इकोनॉमिक्स ये सारी चीजों को एनालाइज करके बताने की कोशिश करता है कि किस एफिशिएंसी लेवल को हमें अचीव करना है, किस लेवल के एफिशिएंसी को हम अचीव कर रहे हैं। Thus, the focus of microeconomics is mainly confined to price theory and the resource allocation. इसलिए microeconomics दो चीजों पर ध्यान देता है। कौन कौन सी बच्चा लोग? पहला price theory और तीसरा resource allocation. Because resources are limited, if the resources are limited, तो उसका allocation भी हमें proper करना पड़ेगा ताकि किसी भी तरीके का wastage नहीं होना चाहिए। It does not study the aggregate relating to the whole economy. इसीलिए ये सारी की सारी इकोनॉमी की बात नहीं करता है मित्रों, ये सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट रिलेटिंग की बात करता नहीं है, ये पूरी इकोनॉमी की एनालिसिस नहीं करता है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की बात नहीं करता है, ये इकोनॉमिक इंडिविजुअलिटी की बात कर रहा है, समझा? ये नेशनल लेवल की इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो गई, वो इस लेवल पर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा है, वो उस लेवल की प्रॉब्लम्स की बात नहीं कर रहा है, वो देश की प्रॉवर्टी की बात नहीं कर रहा है, वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात नहीं कर रहा है, वो सिर्फ क्या कह रहा है कि भाई साहब देर आर सम लिमिटेशंस, इसलिए वो बियॉन्ड द लिमिट थिंकिंग, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग नहीं कर रहा, वो बोल रहा है कि हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स के बारे में, इंडिविजुअल्स और पर्टिकुलर्स के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, ताकि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो स्कोप लिमिटेड है उस लेवल पर वो कॉन्सेंट्रेट करके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सके। आई होप कि आपको स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स के इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको किसी भी तरीके की डिफिकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आता तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, इसी तरीके की वीडियो के लिए चैनल पर जरूर बने रहे, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक करें, आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स मिल जाएंगे, अकाउंट्स का पूरा सिलेबस मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा जहां पर आपको लेक्चर्स की अपडेट, नोट्स एंड सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता है रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, मिलता हूं मैं आपको अगले वीडियो में एक और नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।